थंबनेल देखकर आप जरूर समझ गए होंगे कि महज इसमें इन्वेस्टमेंट आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 500 से 1000 रुपये करना है एंड आप अपने काम को शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ समझना है, क्योंकि आज का जो ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, इसको समझना है। जो समझा वो बहुत लंबा तक जा रहा है, जो नहीं समझा वो तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो लेकिन आप में से जो भी लोगों ने वीडियो को ओपन किया है वो आप सारे लोग समझने वाले लोग हैं, आप बिजनेस करने वाले लोग हैं। पार्ट टाइम आप इसको कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। सो आज का जो ये हमारा बिजनेस प्लान है उसका नाम है मेटा फोर्स। ये बेसिकली क्या चीज़ है और कैसे आप अर्न करेंगे वो समझिए। मेटा फोर्स एक ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी का इकोसिस्टम है। इसमें बेसिकली मेटा फोर्स एक डिसेंट्रलाइज है, इसका जो भी इकोसिस्टम है डिसेंट्रलाइज है, यानी कि कोई भी किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये मार्केट के थ्रू कंट्रोल होता है, सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, चूँकि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइजेशन के ही सिस्टम पर वो बना है। तो इसमें क्या है कि आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो सिर्फ आपका होगा, एक रुपया कोई नहीं लेने वाला है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसमें अर्न कैसे करेंगे। तो इसमें अर्न करने के लिए बेसिकली आपको अकाउंट ओपनिंग करवाना है। सबसे पहले उसमें आपको इन्वेस्ट करने के लिए इसमें आपको दो से तीन चीज़ करना होता है। सबसे पहले इसमें तीन टाइप का वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, दूसरा मेटामास्क हो गया और तीसरा टोकन पॉकेट हो गया। इन तीनों ही वॉलेट में से किसी भी एक वॉलेट में आपको अकाउंट ओपन करना है, पहला नंबर स्टेप हो गया। दूसरा नंबर स्टेप हो गया, उस वॉलेट में आपको लेकर आना है दो चीज़। सबसे पहले पॉलीगॉन मैटिक, ठीक है, ये कॉइन है पॉलीगॉन मैटिक, और दूसरा हो गया DAI। DAI क्या है? तो DAI बेसिकली स्टेबलाइज क्रिप्टो करेंसी है, जिसका दाम डॉलर के दाम के बराबर रहता है, यानी कि इसका दाम कभी भी उतना नीचे नहीं होगा जितना भी आपने बाद बाकियों को सुना होगा, ये डॉलर के अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो ये दोनों कॉइन को आपको ट्रस्ट वॉलेट में लेकर आना है। कैसे लेके आएंगे आगे बता दूंगा। जैसे ही आपने उस वॉलेट में ये दोनों कॉइन्स लेकर आए आप, इसके बाद आपको जो डिस्क्रिप्शन में जो रेफरल लिंक दिया जाएगा, आप उस रेफरल लिंक के थ्रू इसमें को मेटा फोर्स में लॉगिन करना है, ठीक है। मेटा फोर्स में आपको जब लॉगिन करके ज्वाइन जब आप करेंगे, इसी वॉलेट के थ्रू आपको परचेज करना है मेटा फोर्स का ब्लॉक, ठीक है। वहां से आपका सारा स्टोरी स्टार्ट हो जाएगा अर्निंग का। ये मैं आपको ओवरव्यू बताया हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक एक प्रोसेस में आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है डॉलर में कमाना या मेटा फोर्स को समझना चाहते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे, आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा प्रैक्टिकल आपको दिखाया हूँ। ट्रस्ट वॉलेट में अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा, उसके लिए प्ले स्टोर पर आइए और इंस्टॉल कर लीजिए। काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। डाउनलोड करने के बाद इसको कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे लिख रहा है क्रिएट अ न्यू वॉलेट, आई हैव ऑलरेडी अ वॉलेट। मेरे केस में तो है, बट चलिए आप लोगों के लिए दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ओके करके कर देना है कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो सबसे पहले बोलेगा कि आप अपना एक पासवर्ड बताओ, आपको जो भी पासवर्ड लगता है वो आप यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना है। जैसे इस केस में मैं एक पासवर्ड डाल देता हूँ, ये जो भी पासवर्ड है ये पासवर्ड डाल के कन्फर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद देखिए ये क्या बोल रहा है, बैकअप योर वॉलेट नाउ। यहाँ पे क्या करना है कि जो भी आप ये वॉलेट बनेगा ना, तो आपको एक ना 12 कीवर्ड दिए जाएंगे, उन कीवर्ड को आपको सेफ्टी से रखना है। ये बैकअप के तौर पे क्या रहेगा कि जैसे ही आप उसको बैकअप के तौर पे रखेंगे तो कभी लेट से खो गया, पासवर्ड याद नहीं है, तो आप इसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। सारे डिटेल डालने के बाद इस तरीके से ये वॉलेट इसमें खुल जाएगा। इस वॉलेट से आप सेंड भी कर सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आपको टोकन ऐड करना है, तो टोकन ऐड करने के लिए क्या करना होगा, ऐड टोकन पर जाइए, यहाँ पर सर्च कीजिए, जैसे हमने सर्च किया पॉलीगॉन मैथ, तो पॉलीगॉन मैथ आ गया। यहाँ पे डिसेबल और इनेबल करने वाला है, इनेबल हमने कर दिया तो वो दिख जाएगा। दूसरा हमें इसमें डालना है DAI, डाई, तो डाई पे भी हम लोग को डिसेबल और इनेबल, तो यहाँ पे कर देना है आपको इनेबल। जैसे हमने ये इनेबल किया तो ये दोनों ही चीज़ हमारे पास में ये दिख जाएंगे। सो मैंने अभी अपने ट्रस्ट वॉलेट में पॉलीगॉन 0.4 मैटिक परचेज कर लिया था एंड 5 DAI मैंने परचेज किया। या कहाँ से परचेज करना है, दो तरीका है, या तो हम ओपन सोर्स से भी परचेज कर सकते हैं, जैसे बाइनांस का हो गया, वजीरेक्स हो गया, इस टाइप के प्लेटफॉर्म से आप वहाँ पे परचेज कीजिए और यहाँ पे आके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या नहीं तो जब आप ज्वाइन करेंगे, जैसे मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो अभी मैं अपने एक अपलाइन के थ्रू ज्वाइन किया हूँ,
तो अपलाइन के थ्रू मैंने ज्वाइन किया, तो मैं तो डायरेक्ट उन लोगों से परचेज किया, तो उन लोगों ने मुझे ये चीज़ भेजा, मैंने पैसा भेजा और उन लोगों ने कॉइन भेजा, ठीक है, पी टू पी इसको बोलते हैं, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। तो इस तरीके से भी हम परचेज कर सकते हैं। अब परचेज करने के बाद आगे का प्रोसेस क्या है वो समझिए। परचेज करने के बाद आपको आना है यहाँ पे डी ऐप पे, डी ऐप पे आने के बाद यहाँ पे सर्च और इंटर वेबसाइट यूआरएल, और ये वो यूआरएल आपको सर्च करना है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। अपने मन से आपको नहीं जाना है, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है आप उसे कीजिएगा, चूंकि उसमें मेरा रेफरल है, तो मेरे रेफरल के थ्रू अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको भी अर्निंग होगी और मेरे को भी अर्निंग होगी, मेरे आगे वाले को भी अर्निंग होगी, यही तो इसका खासियत है। और आप भी जब अपने रेफरल से दूसरे को ज्वाइन करवाएंगे तो उसमें आपको भी फायदा होगा, उसको भी फायदा होगा। ये लाइन ऐसा ही बना हुआ है, इसका तरीका ही सिस्टम यही है। तो इसमें डाल के जैसे ही मैंने सर्च किया तो यहाँ पे आ गया साइन अप। ये देखिए यहाँ पे मैंने किसी का रेफरल था तो यहाँ पे इनवाइटी का दिखा रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है साइन अप। अब मैं करूँगा साइन अप, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ ये जो राइट हैंड साइड में यहाँ पर कई बार आपको अलग कॉइन दिखता होगा तो उसको हटाना पड़ेगा। जैसे मेरे केस में पॉलीगन है तो अच्छा है, अगर आपके केस में पॉलीगन ना रहे कोई और रहे तो वहाँ पे आपको पॉलीगन लेके आना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे साइन अप, साइन अप पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि किस वॉलेट से आपको साइन अप करना है, तो मैं यहाँ पे साइन करूँगा डी ऐप इन ऐप, ये मेरा ट्रस्ट वॉलेट है, मैंने इस पर कर दिया क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आ रहा है, सो यहाँ पे लिख रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल जीरोमैटिक, ये वो ऐसा करके कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई, आपको कुछ नहीं करना, सीधा कर देना है अप्रूव। अप्रूव करने के बाद आपको कर देना है ऑथेंटिकेट, मैंने अपने केस में ऑथेंटिकेट कर दिया। वेट करते रहना है, इसको छूना छाना कुछ नहीं। अब यहाँ पे लिख दिया ना रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। सो अब हम आ चुके हैं metaphos.space के प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर हमने कर लिया है रजिस्टर्ड। तो इस तरीके से ये metaphos.space का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है। ये मैंने अपना रेफरल लिंक दे दिया है, आपको उसी से लॉग इन करना है, अदरवाइज आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप देखिए मेरे में भी यहाँ पे अपलाइन शो कर रहा है, ये जो अपलाइन का मतलब हुआ कि मैं भी किसी के थ्रू हुआ हूँ, तो ये मेरा वाला है, राइट। आपको दूसरे तीसरे से नहीं करना है, जिसका दिया गया है उसी में करना है, ये सिस्टम इसी तरीके से बना हुआ, अपने मन से नहीं करना। अब आते हैं हम इसमें स्लॉट हम कैसे ओपन करेंगे। देखिए पहला इसमें दिया हुआ है हमारा रेफरल। रेफरल का क्या मतलब हुआ, जैसे जो भी आदमी रेफरल के थ्रू आपके में ऐड होगा तो उसका यहाँ पे शो करेगा। और दूसरा हो गया क्लासिक, जो कि हम अभी क्लासिक करेंगे, अभी रेफरल वाला में तो जो ऐड होते जाएगा उसका दिखेगा, तो अभी क्लासिक वाले में आके हम यहाँ पे करेंगे प्रीव्यू। जैसे हमने प्रीव्यू किया तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 5DAI के रहेगा तब जाके आपका एक्टिवेट होगा, पहला वाला, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, इसी तरीके से ये ट्री आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। जितना आप देखिए दो तरीके से इसमें हम इनकम जनरेट करेंगे, या तो खुद आपको परचेज करना है, काम करना है, तो इसको वर्किंग इनकम ये लोग बोल रहे हैं, और एक होता है नॉन वर्किंग। जैसे मैं परचेज कर दिया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा डाउनलाइन वाला वर्क कर रहा है, वो मान लीजिए परचेज उसने कुछ किया, तो उसके थ्रू भी मुझे इनकम मिलेगा। तो इस केस में अभी मैं इसको कर रहा हूँ एक्टिवेट, तो अभी हम इस पर करने वाले हैं एक्टिवेट। देखिए कैसे होता, सिंपल है, ये जो अभी आपको एक्टिवेट वाला आइटम दिख रहा है इस पर अभी करना है क्लिक, ठीक है। तो मैं अभी कर लेता हूँ इस पर क्लिक। जैसे यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पे क्या लिख रहा है प्रोसीड, बीच में क्या क्या लिखा हुआ वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अंत में देखो क्या लिखा हुआ प्रोसीड येलो कलर का, इस पर मैं करता हूँ क्लिक। कनेक्शन चेक, पॉलीगन चेक, सब कुछ चेक चेक हो रहा है, ग्रीन ग्रीन हो गया सारा चीज़, अप्रूव DAI। अब यहाँ पे कर देना है आपको कंफर्म, मैंने कर दिया यहाँ पे कंफर्म, और फिर से ऑथेंटिकेशन मांगेगा, बार बार मांगेगा, यही इसका खासियत है। डिसेंट्रलाइज है, किसी भी टाइप का कोई इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो आपका पैसा आपके हाथ में रहेगा, ठीक है। दोबारा से अप्रूव कर रहा है, कहने को क्यों ऐसा कह रहा है। अब एक हमने DAI किया, तो DAI से हमने परचेज कर लिया, अब दूसरा मैटिक बोल रहा है कि मैटिक में भी आप करो, क्यों, क्योंकि इसका एक चार्ज लगता है, नेटवर्क का फी लगता है, गैस चार्ज आई थिंक इसको बोलते हैं, तो वो चार्ज के लिए लोग मैटिक से अमाउंट कटेगा। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे 0.09 नेटवर्क फी लगने वाला है, मेरे पास ऑलरेडी मैटिक का फी है कुछ अमाउंट, तो वहाँ से ये कट जाएगा। अभी मैं इसको भी अप्रूव कर देता हूँ, एकदम आराम से बता रहे हैं, तेजी में नहीं, क्योंकि आप सबको समझ में आ जाए। ये देखिए एक्टिवेट हो गया, अभी आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है S6, ये हमारा S6 एक्टिवेट हो गया। इतना डिटेल में आपने कहीं वीडियो नहीं देखा होगा, सारे लोग बता देते हैं S3 S6 ऐसे काम कैसे करता कोई नहीं बताता, ये वाला मैंने वो भी बता दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं आप उस लिंक के थ्रू जाइए और मेटाफोर्स में ज्वाइन करके आप भी अपना अर्निंग स्टार्ट कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।